गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास नाइन्थ की मैथ का हमने चैप्टर 14 जो किया था, आज उसमें लास्ट एक्सरसाइज है, जो उसमें है मीन, मीडियन एंड मॉड। चलो ये पढ़ते हैं। मीन क्या होता है? मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। इससे डिनोट करते हैं मीन को, एक्स बार से। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब अगर हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन उन 10 नंबर्स का सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10, जितने नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, क्या निकल के आता है? मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। मतलब मीडियन। मीडियन क्या होता है? n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो किससे डिनोट करते हैं? n। व्हेन n इज ऑड, n अगर हमारा ऑड है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 ऑड है, तो देन मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे? फिर हम n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। सपोज n की वैल्यू 3 है, तो 3 कैसे नंबर हो गया? और मीडियन कैसे निकलेगी? 3 प्लस 1/2, 4/2, 2 यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन। व्हेन एन इज इवन, अगर इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, तो मीडियन क्या होगी? n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, क्या निकलेगा? मीडियन। अब आता है मॉड। मॉड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, उसको वो क्या होता है? उसकी सीरीज का मॉड होता है। एक एग्जांपल से करते हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों निकालेंगे। दी फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एन की वैल्यू कितनी है? 10 मैचेस। तो इसमें जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो क्या है? 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 ये दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या निकालना है हमें? मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले निकालते हैं मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। सम, इनका सम कितने? 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ गिवन भी था हमें 10 मैचेस। कितनी है ये? 10। अब इनका सम कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5 + 4 = 9 9 + 5 = 14 15 18 21 25 5 और 25 + 3 कितना आ गया हमारा? 28/10। 0 और 1 तो क्या आ गया? 2.8। क्या आ गया हमारा? मीन निकल के आया। अब देखते हैं मीन, मीडियन, पहले निकाल लेते हैं मॉड। अब इसमें मॉड देखिए, मॉड क्या है? जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है? 3 कितनी बार आ रहा है इसमें? 1, 2, 3, 4 टाइम्स है। 3 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। 3 अकर्स कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की। मॉड क्या आ गया हमारा? 3। क्या आ गया मॉड? 3। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए जो भी दी हुई होती हैं वैल्यूज, हमें उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। फिर 1 के बाद 2। 2 कितनी टाइम्स आ रहा? 1 टाइम्स। ये उसके बाद 3 कितनी बार? 4 के बाद, इसके बाद क्या? 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। फिर है 5। कितने नंबर्स हो गए हमारे? 10 हो गए। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन में n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 कैसा नंबर है? ईवन नंबर। कैसा है? ईवन नंबर। जब ये ईवन नंबर है, तो यहाँ से मीडियन कैसे निकलेगी? मीडियन निकालने का मैंने अभी बताया है। अगर इवन होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? हम n/2th एंड n/2 + 1th।
n की वैल्यू क्या है 10 बाय 12 एंड 10 बाय 2 प्लस 1 एट ऑब्जर्वेशन, ये कितनी आ गई 5। फिफ्थ एंड ये देखिए 5 प्लस 1 6 ऑब्जर्वेशन। अब फिफ्थ यहाँ से काउंट करेंगे क्या होगी 1 2 3 4 5 और 6 कौन सी होगी 3, और मतलब 3 प्लस 3 क्या कर देते हैं 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 क्या है 6 बाय 2, 2 से डिवाइड होगा कितना आया 3। तो मीडियम क्या निकल के आई हमारी 3। ठीक है, एक और आता है हमारा, ये समझ आ गया होगा सभी को। अब इसी में ही है मीन निकालने के लिए, ये तो सिंपल सीरीज दी हुई थी, मीन निकालने के लिए हमें अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, जैसे मार्क्स गिवन है हमारे पास, ये है मार्क्स है 10, 20, 30, ये मार्क्स गिवन है हमें। यहाँ आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या होगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से। तो तब मीन क्या होगा हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन मीन्स सम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करते हैं एफ से या एफ आई, ये हो गए 2, 3, 1। तो जो मार्क्स हैं हमारे 10 मार्क्स कितने 2 स्टूडेंट्स के, 20 कितने के 3 के, और 30 कितने 1 के, ठीक है, ये आ गया मार्क्स। अब इसमें जो मीन निकालते हैं तो हम निकालते हैं समेशन एफ एक्स, ये एक्स होता है और ये एफ, 20 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 60, ये आ गया 30 into 1 30। अब आता है समेशन एफ, समेशन मीन्स ये समेशन होता है मीन्स सम, इनको ऐड करो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, ये आ गया समेशन एफ एक्स, 0, 6 और 2 8 और 3 ये आ गया। अब इसमें हमें निकालना है मीन, तो इसमें मीन कैसे निकालते हैं, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ आई से भी डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है, आई का मतलब इट्स 1, 2, 3 जितने भी पढ़ते जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आई है 110 upon 6, 2 से डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया 55 upon 3, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 2, 3, 8 से 24 1.3, ये क्या निकल के आया है हमारा मेन निकल के आया है, ठीक है, मार्क्स या स्टूडेंट्स जिसने भी हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा। अब ये तो मैंने आपको 3 डिजिट लेके ही एग्जांपल दिया है, तो इसमें 5 या 6 या 10 कितनी भी हो सकती हैं, तो तरीका यही है उसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी, मार्क्स है वो एक्स की वैल्यू होती है, तो मीन कैसे निकालते हैं एफ, यहाँ से ये एफ एक्स हो जाएगा एफ और एक्स की मल्टीप्लाई की, समेशन एफ एक्स इन सभी का सब डिवाइड बाय समेशन एफ, समेशन एफ क्या होता है कि एफ आई से डिनोट करना है एफ आई से कर लीजिए, एफ एक्स भी ठीक है, कितना आया था हमारा 6, तो ये से डिवाइड हो गया, ठीक है, इसमें इतना ही है हमारा। मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और मॉड क्या होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और मीडियम के लिए हमें पहले इवन और ऑड चेक करना है, ठीक है, तो अच्छे से करना है चैप्टर। ओके, थैंक यू।